नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है सूरज भांजी, जो कि बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कहा जाता है कि अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो ईश्वर आपसे नाराज होगा और इसके बदले में वो आपको दंड देगा। तो क्या जो इंसान को दुख मिलता है वो ईश्वर की नाराज़गी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ईश्वर की नाराज़गी या ईश्वर का जो हम लोगों ने कल्पनाएं अपने दिमाग में भर रखी हैं, ये बिल्कुल मिथ्या है। जिस कारण हमारे लोग अज्ञानता की ओर बढ़ते हैं, अंधविश्वासों की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि समाज के पिछड़ेपन का। आज जो विश्व विज्ञान के युग में जी रहा है, वहीं हमारा देश अंधविश्वास के युग में जी रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि लोगों में शिक्षा की कमी रही और जिस कारण लोगों ने अपने आप में भ्रम पैदा कर लिए कि एक ईश्वर है, भगवान है, जो हमें कहीं हम कुछ कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लोग बीमार हो जाएंगे, मेरे बीमारी का इलाज इस पाखंड से निवारण होगा। तो ये सब चीज़ें जो मिथ्या हम लोगों के दिमागों में भर दी गई है, जिस कारण हमारे लोग इस अंधविश्वास में डूबे रहते हैं। जबकि ईश्वर भगवान जो इन्होंने कल्पनाओं का जो बना दिया है, जो झूठे भगवान बनाए गए, जिस कारण लोगों को डर बैठा दिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जबकि भगवान बुद्ध ने इतना अच्छा मार्ग हम लोगों को दिखाया कि आप स्वयं ही अपने दीपक हो, आप अपने आप को ही राह दिखा सकते हो, आप स्वयं दीपक हो, तो आप अपनी राह खुद चुनिए। तो इसमें जो हम पाखंड और आडंबर के चक्रव्यूह में फंसते हैं, इससे मुक्ति के दाता हमारे भगवान बुद्ध जी हैं और उन्होंने हमें मार्ग दिखाया और जीवन में अच्छे अच्छे राह हमें उनसे प्राप्त हुई है। तो अंधविश्वास से तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोगों को कोई ऐसी इनके आडंबर पाखंडों से कोई हानि पहुँचती हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक सर्वव्यापी है कि जो नास्तिक लोग हैं उनका भी जीवन बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है और जो अपने इस धर्म के अलावा जो आडंबर पाखंड वाला धर्म है उसके अन्यत्र कोई दूसरा धर्म में फॉलो कर रहे हैं तो उनका जीवन भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज़ से हम डर कर जिए और उससे ही हमारा पालन होगा। हमारा पालक है, ईश्वर है, लेकिन ऐसा आडंबर पाखंड कपोल कल्पित जो आडंबर हमें भटकाता है, वैसा कुछ नहीं है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।